जिसके खजाने में सब कुछ होने पर भी बेशुमार तपती धूप रेगिस्तान में नंगे पैर एक भिखारी की तरह परवरदिगार से मन्नत के लिए दिल्ली का शहंशाह अकबर आज हजरत सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक बेटे की तमन्ना के लिए आता है और दुआओं से उसे महारानी जोधाबाई से एक बेटा होता है। बदतमीज जैसी महलों के जाहो जलाल में शहजादा सलीम भी शराब की महफिल का शिकार होता है। सेनापति मान सिंह और सैनिकों की सोबत में रहकर उन कौशल का प्राप्त कर लेता है और 14 साल के बाद शहजादा सलीम दुश्मनों का सफाया करके अनेक पड़ोसी मुल्क जीतकर कामयाबी के साथ राजमहल वापस आता है। आज बदल गई है दिल्ली की हवाएं, मोहब्बत क्या रंग लाती है, इत्तेहाद गवाह है। जहां अपने को मुबारकबादी, आज शहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। हमारी खुशी शेखों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। दरोगा जिंदान जी, हेलो, जश्न की तैयारी करो जी। आपका हुक्म अमल किया जाता है। मैं समय इतिहास के हर पन्ने में लिखा है उसका मैं गवाह हूं। आज हम अकबर बादशाह की बेचैनी और अपने शहजादे को मिलने का एक धड़कनों की ताल देख रहे हैं। शहजादा जोधाबाई को मिलने सीधे तशरीफ ला रहे हैं। मुबारक हो, खुदा न करे हमारे शहंशाह को कोई नजर न लग जाए। शेर जैसी चाल है, अजीब सा हवा का तूफान है। मुबारक हो शहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। ये सच है कि मेरा शेखो तशरीफ ला रहे हैं? मेरी आंखें तरस रही है, अब कैसा लगता होगा? नादिया, ये हीरे जवाहरात का तोहफा कबूल कर लो। तस्लीम, तस्लीम, तस्लीम। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, मैं आ गया हूँ, मेरी आंखों में देख। शेफू बेटा, आंसू बनी खुशियां मनाओ। मैंने पल पल तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं 14 साल। देखो तुम्हारा सलीम जंग की कामयाबी में फौलाद बन गया है। नादिया, मेरा हुक्म है, संगीत की तैयारी करो। जी हुजूर। शेफू बेटा, तानसेन के मधुर राग तुम्हारे कानों में बिगुल के आवाज से शगुन और मोहब्बत से दिलों में नया जोश देगा। शहजादा सलीम, आलमखान दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी माँ की आंखें ठंडी नहीं हुई और बुलावा आ गया। अम्मी हुजूर, मैं आपको मिलने जरूर आऊंगा। मुगल सल्तनत में जब भी कवाली होती है तो एक नया अंदाज होता है। आज अकबर बादशाह ने एक जश्न की तैयारी